अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये आपकी उर्दू की बुक है, इसका हमने कल पेज नंबर जो है चैप्टर हल्की हल्की बारिश आई का हमने पेज नंबर 37 देखा था। आज हमने पेज नंबर 38 देखना है कि उस पर क्या क्या है। दुरुस्त मफहूम पर टिक लगाइए। ऊपर जो आपके पास एक्टिविटीज़ हैं वो जो मैंने आपको पीछे बताया था वही सब, इसलिए इसको हमने कुछ नहीं करना। ये नज़म ही है जो हमने पीछे भी पढ़ी थी। उसके अलावा दुरुस्त मफहूम पर टिक लगाइए। पानी पानी हर शय कजी ठंडक लाई बारिश आई। अब उसने कंप्लीट सेंटेंस दिया है, इसी के रिलेटेड उसने नीचे कुछ दिए हैं, हमने उसको सॉल्व करना है। क्या है? तेज़ हवा चलने लगी और बारिश भी बरसने लगी। अब ये तो कोई सेंस नहीं ना बन रही, बारिश से मेरा बस्ता भीग गया और किताबें ख़राब हो गई। अभी भी कोई सेंस नहीं बन रही कि बारिश से मेरा बस्ता भीग गया और किताबें ख़राब हो गई। थर्ड वन इज़ बारिश से हर तरफ पानी ही पानी था और सर्दी लगने लगी। बारिश से हर तरफ पानी पानी था और सर्दी लगने लगी। हमारे पास कंप्लीट एक सेंस बन रही है कि पहले बारिश बरसती और फिर पानी पानी होगा, उसकी वजह से हमें सर्दी लगने लगी। तो हमने इसको क्या कर देना है, टिक आउट कर देना है। उसके बाद पेज नंबर 39 पे आ जाएं। नीचे बयान की बातों को नज़म के मुताबिक तरतीब दीजिए। हर जुमले के खाने में जुमले का दुरुस्त नंबर लिखिए। अब ये हल्के हल्के और उड़ने वाले बादल थे, हल्के हल्के दो वर्ण हैं, यहाँ पे हमने दो लिख दिया। उसके बाद कुछ भूरे से बादल थे, अब भूरे भूरे क्या है, एक वर्ण है, तो हमने एक लिख दिया। इन बादलों में बारिश के नन्हे मुन्ने कतरे थे, अब नन्हे मुन्ने 5। कुछ ही देर बाद खुलकर बारिश बरसने लगी, बारिश बरसने लगी, ये 7 वर्ड्स। उसके बाद बारिश के कतरे एक एक करके बरसने लगे, इसमें 4 वर्ड देखने, ठीक है। उसके बाद बारिश से हर तरफ पानी ही पानी था, 8। उसके बाद बारिश ने पूरे माहौल को ठंडा कर दिया, 9, ठीक है। ये आपके पास एक्टिविटी थी, ये आपने अपनी कॉपी नीट कॉपी पे ये वाली जो एक्टिविटी है आपने नीट कॉपी पे लिख लेनी है और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।